हेलो एंड वेलकम बैक हियर इन गैलेक्सी। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो और आज के इस वाले गेम प्ले में होने वाले 21 किल वो भी है सोलो से स्क्वाड के अंदर इंटेंस फाइट के साथ। तो बस यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब इस वाले मैच के अंदर गाइज मैं होते जाता हूं ओल्ड बेसिन के अंदर और पहले मेरे को लगा शायद कोई नहीं आया है बट तभी यार मेरे को यहाँ पे कुछ बंदे स्पॉट हो जाते। पहले बंदे को नॉक एंड फिनिश करता दूसरा बंदा जो कि स्क्वाड उसमें मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है। अब इन दोनों को तो मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ जैसे यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ ना। अब तभी देखो सामने मतलब सामने जो रोड के उस साइड वाला जो घर है ना वहां का दरवाजा अभी भी जस्ट ओपन होके बंद हुआ, मतलब बंदा है वहां पर। और भाई मैं पुश करने ही वाला था तभी ये बंदा सामने से आ जाता। मैं इजीली इस वाले बंदे को भी अभी नॉक एंड फिनिश देता हूं। अब देखो इस वाले स्क्वाड के तीन बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके थे, मतलब अब बचा था लास्ट वाला बंदा। और जैसे स्केटिंग करके मतलब गाड़ी की तरफ जाने ही वाला था तभी यहां पर एक बंदा और स्पॉट हो जाता, मतलब शायद से ये इस वाली स्क्वाड का आखिरी बंदा होना चाहिए। बट यार ये वाला बंदा भी नॉक होता, मतलब ये शायद से किसी और ही मतलब अलग स्क्वाड का बंदा होता है। और देखो जस्ट सामने से मतलब जहां से मैं सबसे पहले लैंडिंग किया था ना भाई वहां से भी जीत रही चल रहा है। अब वहां पर जाने ही वाला था तभी देखो मेरे वाले मतलब इसी वाले सेम घर के अंदर एक बंदे के पुष्ट बातें जो कि शायद से बोट होता है। अब इस वाले बोट को निपटाने के बाद अब जीतने वाले बंदे को यहाँ पे नॉक तो कर लेता। अब देखो यहां पर इसका और कोई भी टीममेट वगैरह होता नहीं, मतलब सिर्फ अकेला ही बंदा होता है जिसको मैं थोड़ी देर के बाद आराम से यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। फिनिश करने के साथ देखो ओल्ड मिशन के लगभग यहाँ के सारे बंदे खत्म हो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था मेरे को फिलहाल देखो सामने कुछ बोर्ड फायर आ रहे हैं। भाई सामने जो बोर्ड था उसको मैं नॉक एंड फिनिश करके बाकी लेके यहाँ पे प्रमोटर की साइड जा ही रहा हूं तभी ये जो सामने ट्रिपल स्टेडियम है भाई वहां पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब ये वाला वो नहीं होता, मतलब ये तो एक बोर्ड ही था। जैसे ही मैं बोर्ड को फिनिश करता मेरे को ऊपर यानी कि छत की साइड से एक बंदे के पुष्टि आते है। और भाई इस वाले बंदे को मैं पे इजीली यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करता। फिनिश करने के बाद यहाँ से लूट वगैरह कंप्लीट करके अब सीधा देखो मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट की साइड जा रहा होता हूँ तभी ना मेरे को सामने वेयर हाउस की साइड से कुछ गन साउंड्स आते हैं। अब जो कि ये वाला बंदा होता जो कि शायद बोट मारा होता है एंड इसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ। सामने देखो बगी स्पॉट, मतलब यहाँ पर एक ही बंदा होता है। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ से बगी लेके अब मैं बंदों को ढूंढ ही रहा होता हूँ तभी देखो स्टेडियम की साइड से मेरे को कुछ यहाँ पे गन साउंड्स आते हैं। और जहां पर मेरे को बंदे भी स्पॉट हो चुके हैं ओपन में। एक बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ तभी देखो दूसरा बंदा यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा होता है। अब इसको तो मैं इजीली नॉक एंड फिनिश कर लेता हूं। देखो एक और बंदा था जो कि सामने जो शेक है ना भाई उसके अंदर अभी भी जस्ट गया। मैं यहां पे थोड़ा सा यहां पे क्लोज इन करता हूं। अब जैसे मैं यहां पे क्लोज में आता हूं बंदा वहां से बाहर निकल के अब यहां पर वो मेरा वेट ही कर रहा था।
और फाइनली इसी के साथ यहाँ पे ये दोनों बंदे होते हैं, दोनों को मैं इजीली फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से लूट करके जो गाड़ी है ना भाई, ये वाली गाड़ी लेके मैं सर्कल में जा ही रहता हूँ। तभी अब यहाँ पर पहले तो मेरे को ये वाला बंदा स्पॉट होता है जो कि शायद सर्कल के अंदर जा ही रहा होता है, इसको मैं इजीली नॉक करता हूँ। अब नॉक करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे फिनिश कर देता बिकॉज यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट मेरे को दिखा नहीं था। एंड यहाँ पे मैं आ रहा था ड्रॉप लूटने के लिए, तभी अब सामने मेरे को ये वाला ऑफलाइन बंदा स्पॉट हो जाता है, इसको भी मैं इजीली यहाँ पे फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद गाड़ी लेके अब उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे इस वाले घर में आता बिकॉज देखो सर्कल भी छोटा हो चुका था और अभी भी देखो मतलब 5 बंदे और बचे थे मेरे अलावा। अब थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ पर देखो पहले तो एक ड्रॉप आता है, फिलहाल ये तो एक बोट ही था। अब यहाँ पर देखो ड्रॉप में होती है AWM जो कि मेरे को स्नैपिंग का काफी मन हो रहा था, मैं यहाँ पे AWM उठा लेता हूँ। और AWM उठाने के बाद अब पहले तो मैं इस वाले बोर्ड को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से गाड़ी लेके मैं सीधा इस वाले घर की साइड आता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को बंदे के गन साउंड्स आए थे। जैसे आता हूँ यहाँ पर ये वाला तो एक बोर्ड ही होता है। देखो अभी मतलब आसपास से यानी कि इस साइड से मतलब सामने से एक AWM का आवाज आया, मतलब बंदा यहाँ पर और वो भी स्नाइपिंग कर रहा होता है। फिलहाल बंदा स्पॉट नहीं हुआ, तभी देखो नीचे की साइड से पुष्टि बातें हैं जो कि इस बोर्ड के होते बोर्ड को निपटा था। अब देखो आप बचा था आखिरी वाला बंदा, नहीं वही बंदा था मतलब AWM वाला। और जस्ट थोड़ी देर के बाद अब इसी हेडशॉट के साथ इस वाले मैच में अपना चेक डिनर हो जाता है 21 किल के साथ। अब आते हैं इस वाले मैच के जहां फिर से मैं उतरता हूं पे ओल्ड बेसिन के अंदर और यहां पे उतरते ही गन मिल चुकी है और मतलब तुम देख रहे हो सामने दो दो स्क्वाड के पैराशूट्स। अब सामने की साइड से मैं एक बंदे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ, दो बंदों को ऑलरेडी डैमेज दिया था वहां पर। अब देखो यहाँ पे नीचे में लूट करने के लिए तो यहाँ पर मेरे को AK मिल जाती है और मैं AK उठाने के बाद जैसे ऊपर आता हूँ यहाँ पर ना मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा भी डैमेज दे रहा था बट एक भी बंदा यहाँ पर नॉक नहीं हो रहा था तो सोचा कि चलो पुश कर देता हूँ। चलो इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद जैसे ऊपर आता हूँ देखो सामने से पुष्टि बातें भाई, उससे पहले ये वाला बोर्ड था बोर्ड को नॉक करता हूँ। उसके बाद जिस बंदे को नॉक किया था उसको फिनिश करता हूँ बिकॉज ये वाला बंदा रिवाइव ना हो जाए। और अब बारी यार पास वाले बंदे की जो क्या होता है इस वाले घर की साइड। अब इसको भी मैं यहाँ पे इजीली नॉक एंड फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद देखो पास में यहाँ पे साउंड आ रहे गन के, तो भाई गन लूट के मतलब है सामने वाले घर में एक नहीं मतलब दो दो बंदे होते हैं एंड तुम देखो बस यहाँ पे एक स्क्वाड वाइप होने वाला है। जैसे आता हूं पहले तो ऑफलाइन बंदा स्पॉट होता है अब दो बंदों को नॉक कर चुका था, इसका जो तीसरा बंदा था ना वो जस्ट ऊपर की साइड अभी भी गया है। अब इसी के साथ ये वाले बंदे तो अभी खत्म हो चुके थे बट अब जैसे मैं यहाँ पे लूट कर ही रहा था मेरे पास हील वगैरह कुछ भी नहीं था। तभी देखो सामने से
अब सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, इसको मैं यहाँ पे पीपी से बहुत डैमेज देने का ट्राई करता था, बट बस को एमओ रजिस्टर नहीं हो रहा था। और जब तक मैं हील कर ही रहा होता हूँ, तब तक भाई बंदा भी पुश कर चुका था। मतलब यार बंदा मोली अपने ऊपर कराते हैं मेरे ऊपर, मेरे को अभी तो समझ में नहीं आया। फिलहाल इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से लूट करता हूँ, बिकॉज इसके बाद जीतरी होती है, और जीतरी उठाने के बाद अब देखो रोड के उस साइड वाले बंदे अभी भी बचे हुए थे। फिलहाल सामने बंदा स्पोर्ट, इसको मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, बट तभी देखो सामने एक और बंदा स्पोर्ट होता है। मतलब यार हेलमेट तो मेरे को मिला ही नहीं था। और इसी के साथ यही था हमारा आज का गेम प्ले। गेम प्ले पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।